असाइनमेंट है 1.1, यूनिट नंबर 1, असाइनमेंट 1.1। असाइनमेंट क्या कह रहा है, पुली ऑफ अ रेडियस 0.9 मीटर इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बकेट फ्रॉम द वेल इफ इट टुक 3.6 रोटेशंस फॉर द पुली टू टेक वाटर आउट ऑफ द वेल। हाउ डीप इज वाटर इन द वेल। एक कुआ है जहां से पानी निकाला जा रहा है, ठीक है बच्चे, और जो पुली है उसने 3.6 रोटेशंस किए हैं, ठीक है, 3.6 रोटेशन का मतलब यह है कि यहां पे जो एंगल कवर हो रहा है ये 3.6 रोटेशन है, ठीक है बच्चे, ओके 3.6 रोटेशन। और जो रेडियस है पुली का वो बच्चे वो है 0.9 मीटर, ठीक है। अब मैं ये बताना है कि जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है ये डिस्टेंस ये किसके बराबर है, तो सिर्फ एक फार्मूला है जो हम जानते हैं और ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में हम इसको पढ़ चुके हैं, तो चलिए कैलकुलेशंस करते हैं। फार्मूला है हम जानते हैं S इज इक्वल टू थीटा आर। थीटा बच्चे एक बात याद रखें, थीटा जो होगा वो जो रोटेशन है ना रेवोल्यूशन, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ वैलिड है रेडियन के लिए, ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं ओनली वैलिड फॉर रेडियन। सर व्हाई इज इट ओनली वैलिड फॉर रेडियन, रेडियन के लिए इसलिए वैलिड है बच्चे, जवाब सिर्फ और सिर्फ रेडियन के लिए वैलिड है। सर ये रेडियन के लिए क्यों वैलिड है, क्योंकि जब आप यूनिट नंबर 5 में इसको डिराइव करेंगे तो डेराइवेशन के दौरान हम दो सर्कल को कंपेयर करते हैं और एक सर्कल में जो एंगल हम लेते हैं वो 1 रेडियन लेते हैं। याद रखें ये फार्मूला कभी भी डिग्री के लिए आपको सही आंसर नहीं देगा, रेवोल्यूशन के लिए सही आंसर नहीं देगा, मिनट या सेकंड के लिए सही आंसर नहीं देगा। ये फार्मूला आपको सही आंसर देगा सिर्फ और सिर्फ जब यूनिट रेडियन में होगा। चले देखते हैं, यहां पे आ जाएगा बच्चे थीटा की जगह पे आ गया है 3.6 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जो है, चले मैं यहां पे रेवोल्यूशन लिख लूंगा और रेवोल्यूशन के बाद जो आर है आर उसको मैं 0.19 ले रहा हूं। बच्चों अगर ये क्वेश्चन ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाए, एक बात याद रखें आप 0.9 की जगह 1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 0.9 मीटर, सिंपली 0.9 और 3.6 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर है और यह आ जाएगा 0.9, ठीक है बच्चे, 3.6 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 0.9, ठीक है। अब दो किस्म के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहा है जो कि बोर्ड का एग्जाम देना चाह रहा है तो बच्चे आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 20 मीटर आंसर आ जाएगा। और अगर वो स्टूडेंट जो कि ईटा का स्टूडेंट है जिसके लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो बच्चे आपको एक बात जो है वो याद रखनी है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको अनसर्टन नहीं रखा जाएगा। इसको मैंने आपसे कहा है कि इसको 1 रख लें, 1, इसको 3 कर लें, इसको 2 कर लें, इसको 3.5 कर लें, 6 है ना, 3.5 कर सकते हैं। चलिए ये मैं ईटा के स्टूडेंट के लिए कर रहा हूं। बच्चे 3.6 को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन 3.6 की जगह हम 3.5 को इजीली टैकल कर सकते हैं, मैं समझाता हूं कैसे टैकल करेंगे। 3.6 की जगह 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने ऑप्शंस में गैप कितना छोड़ा हुआ है।
3.5 multiply 2 multiply 3 और multiply 1. अब 2 3 जा 6 आ जाएगा, 6 3 हम जानते हैं कि ये 18 के बराबर है, और 0.5 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, 6 का हाफ तो 3 होता है. तो यहां पे 3.5 और 6 जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो है वो ऑलमोस्ट 20 के करीब होगा, 21 आ जाएगा. और ऑप्शन में आप जैसे देखेंगे तो आपको 20 मीटर का ऑप्शन मिलेगा. तो बच्चे अगर आप बोर्ड का एग्जाम देना चाह रहे हैं, कैलकुलेटर अलाउड है, अगर नहीं देना चाह रहे हैं तो आप एप्रोक्सीमेशन मेथड यूज कर सकते हैं. ठीक है बच्चे, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक.